सम्मानित हमारे नेतागण जो यहां सीनियर, मैं उनका चरण का वंदन करता हूं और सभी नेताओं ने अपनी बात को रखने का काम किया। किस तरीके से बिहार के जनता को, नौजवानों को जो ठगने का जो काम हुआ है, ये एक 28 साल के नौजवान से डर गया। हमारे पिता ने जो नीतीश कुमार जी का नाम पलटू राम रखा है, और सुशील मोदी जी आके सलटा लेते हैं, एक घंटा में इन लोगों ने खेला करने का काम किया। एक घंटा में रातों रात नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी ब्याह कर लेते हैं। आज जो पूरा तमाम जनता, जो बाढ़ में भी जो फंसा हुआ था जो जनता, सब जनता आ गया, इसलिए जन सैलाब उमड़ा हुआ, पूरा जन सैलाब। आज जो हमारा जो दिल एकदम गदगद हो गया मेरे भाई, आज जितने भी, या कल भी मैं पूरा पंडाल में भी घूम रहा था, अपने विधायक लोग जितने लोग हैं सब व्यवस्था वगैरह कर रहे थे। मैं सोऊंगा नहीं, मैं सांस लूंगा नहीं जब तक मैं बीजेपी के राज को चीर नहीं दूंगा, तब तक सांस लेने वाला नहीं। इसी के साथ साथ देखिए, जब जब राजद का, महागठबंधन का, जिस तरीके से अभी जो रैली हो रहा है, देखिए भगवान साथ दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहीं ना कहीं, भगवान कृष्ण भी वहां से देख रहे हैं आप लोगों को। कभी ऐसा मौसम है पूरा लगा हुआ। अब तो बहुत सारे नेता लोग अपना अपना बात रखे, अब पापा सोच रहे होंगे कि मेरा भाषण चुरा लिया, मेरे अंदाज में बोल रहा है, तो हम बोलेंगे। तो आज मैं, सब लोगों ने अपना अपना बात रखा, तो आज मैं शंखनाद करूंगा, तभी लड़ाई होगा। शंखनाद कर, शंख मंगाओ। आज मैं शंखनाद करूंगा, कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुआ था, मेरा अर्जुन वो है, मेरा भाई तेजस्वी, कृष्ण और अर्जुन किस तरीके से शंखनाद किए थे। असली लड़ाई तो शंखनाद होता है, तभी ना लड़ाई होता है। तो अब शंखनाद हम करेंगे, पहले संघ को, पहले यादवों का अहिर का जो पगड़ी है वो बांधना ना पड़ेगा। बीजेपी में कोई नेता शंख बजा लेगा, हार्ट अटैक कर जाएगा, मुरली बजा लेगा, नीतीश कुमार जी फूकते रह जाएंगे, जान निकल जाएगा। देखिए शंखनाद होगा।
अपना लड़ाई चालू होगा। तो मैं आप लोग से आज ऐलान कर देना चाहता हूं, आप लोग बीजेपी को और नीतीश कुमार को उखाड़ना है कि नहीं, हाथ उठाइए। हाँ, इसी तरीके से अब मेरा दिल पूरा गदगद हो गया। अखिलेश जी कहाँ? तो नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन आरएसएस के गोदी में नहीं झूलिया झूलेंगे। आज जा करके नीतीश कुमार जी बैठ गए, वही आरएसएस हाफ पैंट वाले ना, मोहन भागवत, शर्म नहीं आता, पूरे हाफ पैंट पहनते हैं। अरे हाफ पैंट काहे पहनते हो भाई? क्योंकि तुम्हारा हाफ दिमाग है, इसीलिए तुम हाफ पैंट पहनते हो। हमने डीएसएस का गठन किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। उस संघ को मैं खत्म कर दूंगा। मोहन भागवत जी आए थे तो मेरा संघ का जितना लड़का था डीएसएस का, उनको खदेड़ के भगा दिया। हाँ, हिंदू मुसलमान को बाबरी मस्जिद की बात करते, दंगा फसाद करते, खबरदार। एक एक के आदमी के अंदर जो दंगा फसाद बवेला खड़ा करने का काम करेगा, उसको मिट्टी में मिला देंगे। भारत माँ के चार पुत्र हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब इसी तरीके से पूरा जन सैलाब, और हम लोग आप जिला में भी पूरा घूमने का काम करेंगे। आज सृजन घोटाला हुआ और वो खगों का, और चलिए रहा पूरा जिला में सब जगह से निकल रहा है, इन लोग का खुलासा हो रहा है, पूरा खुलासा हो रहा है सृजन घोटाला को। सृजन घोटालों को मीडिया के भाई लोग पूरा उछालिए एकदम, पूरा जनसैलाब हम लोग का साथ दे रहा है। और हमारे पिताजी को भी बोलना है बहुत सारा बात, जो ये बात बोलना चाहते हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से प्रेम और आशीर्वाद आप लोग का लेते हुए, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महागठबंधन। महागठबंधन से नीतीश कुमार जी भागिए गए, रन छोड़ो गए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद लेते हुए अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत माँ, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, धन्यवाद।